अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज, और महिलाओं के ऊपर ही जो महिला आजकल उत्पीड़न हो रहा है प्रदेश में, महिला का बराबर रेप केसेस हो रहे हैं, पॉक्सो केसेस में बढ़ोतरी हो गई है, और प्रदेश की कांग्रेस सरकार है कि कान में रुई ठूस करके बैठी है। मेक नो कॉम्प्रोमाइज इन योर चाइल्ड्स एजुकेशन, जॉइन द नंबर वन स्कूल इन अजमेर, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, एडमिशन ओपन, प्री नर्सरी टू क्लास 9। नारी शक्ति है, नारी सम्मान है, नारी गौरव है, नारी अभिमान है, नारी इस सृष्टि का विधान है। फिर भी पूछते हैं नारी आज क्यों परेशान है, क्या हमारी सरकार के पास इसके लिए कोई समाधान है? पिछले 4 दिन से जिलेवार घटनाएं लगातार सामने आती जा रही हैं, किशनगढ़ के बाद हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद अलवर। क्या नारी को कोई बचाने वाला बचा है, या सारे राक्षस जैसे पुलिस का बताया जाता था? पुलिस का हमारा एक स्लोगन था, अपराधियों में डर, जनता में विश्वास। पर उस अलवर की महिला की क्या गलती थी? वो घर में पुरुष से परेशान होकर जब कंप्लेन करवाने जाती है, उसको नहीं पता था कि वो उन राक्षसों का शिकार वहां जाके भी हो जाए। कौन बचाने आएगा इसको? नारी कब तक ये उत्पीड़न सहेगी? दूसरी तरफ घरों में जो महंगाई की मार है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, नारी में स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ता जा रहा है, घर का बजट मैनेज करना इतना मुश्किल हो गया है। क्या हमारी सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी का गनी जोड़ने में लगी रहेगी? क्या सरकार को सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए हम सरकार में लाए थे? सरकार की क्या जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? हमारी सरकार को मजबूरन, मतलब जनता इतनी मजबूर हो गई है, इसके आगे कोई वर्ड्स नहीं है। अति हर चीज़ की बुरी होती है और जनता वो अति झेल चुकी है। अब हमारी सरकार को इस पे कोई एक्शन जल्दी लेना हो। नाम आपका? मेरा नाम चंद्रमुखी है, मैं राजस्थान प्रदेश आम आदमी पार्टी महिला सेक्रेटरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज, और महिलाओं के ऊपर ही जो महिला आजकल उत्पीड़न हो रहा है प्रदेश में, महिला का बराबर रेप केसेस हो रहे हैं, पॉक्सो केसेस में बढ़ोतरी हो गई है, और प्रदेश की कांग्रेस सरकार है कि कान में रुई ठूस करके बैठी है, उसको कुछ सुनाई भी नहीं देता है और कुछ देखती भी नहीं है। बस उनके सामने सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं है। महंगाई है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार से संवेदनशील नहीं है इसके लिए। जब महंगाई बढ़ेगी तो नेचुरली रहना खाना पीना बढ़ता है, उसकी महंगाई बढ़ती है तो उसके कारण महिला का बजट गड़बड़ा जाता है, उत्पीड़न का शिकार है, बजट के अंदर प्रॉब्लम है। बिजली है तो राजस्थान बिजली का उत्पादन करता है और दिल्ली के अंदर उत्पादन नहीं होता है। दिल्ली में जो प्रदेश सरकार है वो खरीद करके बिजली सस्ती देती है और यहाँ पर देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली मिलती है। इन्हीं सब का विरोध करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं, और मोदी जी जिस तरीके से थाली और चम्मच बजा करके कोरोना भगाते हैं तो महंगाई भगाने का प्रयत्न है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर राजस्थान में आपने हाल ही में देखा होगा कितनी सारी महिलाओं के खिलाफ बलात्कार की घटनाएं हुई है और पोस्को केसेस हुए हैं। उसके विरोध में आज हमारी महिला शक्ति ने यहाँ अजमेर में प्रदर्शन का आयोजन किया है। साथ ही जो महंगाई की मार पड़ रही है, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों ने लोगों को के खिलाफ लूट मचा रखी है। एक सरकार डीजल पेट्रोल के नाम पर वसूली किए जा रही है लगातार 2-3 साल से, जब सस्ते होते थे इंटरनेशनल मार्केट में, जब भी महंगी यहाँ पर डीजल पेट्रोल बेची जाती थी, और अब बढ़ रहे हैं तो दिन दुगने रात चौगने वसूली हो रही है डीजल पेट्रोल के नाम पर। राजस्थान में भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भारी टैक्स लगा करके राजस्थान गवर्नमेंट ने लूट मचा रखी है और भ्रष्टाचार मचा रखा है। इसके खिलाफ हमारी महिला शक्ति ने आज यहां पर अजमेर में आयोजन किया है प्रदर्शन का। देवेंद्र शास्त्री, सचिव।